हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल के लड्डू, वो भी बिना मावा के। इसे हम कच्चे नारियल से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती है, इवन बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो लेट्स डू दिस। इस नारियल के लड्डू को बनाने के लिए दो कच्चे नारियल, पानी वाले जो होते हैं, उसे मैंने ग्रेट करके ले लिया है। इसे मैंने पतले वाले साइड से ग्रेट किया है और हाँ, मैंने इसे ब्राउन वाले पार्ट के साथ ग्रेट किया। आप चाहे तो उसे निकाल भी सकते हैं। तो इसे हम साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे 2 टेस्पून घी। यहाँ पे मैं घी थोड़ा कम यूज कर रही हूँ, बाद में हम घी का यूज करेंगे, इसलिए स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा कम घी डाल रही हूँ। तो इसमें जो हमने ग्रेट करके नारियल रखा था उसे डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हमें 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, नहीं तो नारियल जल जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान देना है और लगातार चलाते हुए इन्हें भूनना है। आप देख सकते हैं कि इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो सब सूख चुका है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। दूध को मैंने पहले से बॉयल करके रखा था, फुल फैट दूध है ये, तो इसे ऐड कर दें। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो फ्लेम को हम हाई पे कर देंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसे एक बार चला लेंगे। अब हमें इस दूध को पूरा ही सुखाना है, मतलब इसमें बिल्कुल भी दूध नहीं दिखना चाहिए। तो हम हाई फ्लेम पे ही इसे इस पूरा दूध को सुखाएंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए बस आपको ध्यान रखना है कि ये नीचे तले में सटे नहीं, बीच बीच में चलाते रहें और दूध को सारा सुखा लें। थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम दूध सूख चुका है, लेकिन अभी हमें इसे और पकाना है क्योंकि थोड़ा थोड़ा दूध दिख रहा है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो पे कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि दूध की क्वांटिटी एकदम कम है तो ये नीचे सट सकता है। लगभग 3 से 4 मिनट इसे लगातार चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें सारा दूध सूख चुका है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप थोड़ा सा बढ़ा या घटा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून क्रश्ड इलायची। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चीनी डालने की वजह से इसमें मॉइस्चर रिलीज होगा, तो हमें हाई फ्लेम पे उसे लगातार चलाते हुए सुखा लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है। लगभग 4 से 5 मिनट इसे लगातार चलाने के बाद मैं यहाँ पे फ्लेम को लो पे कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें सारा मॉइस्चर सूख चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून घी। अब हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है। तो लगातार चलाते हुए आप इसे भूनें, इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। इस स्टेज पे घी डाल के भूनने से एकदम सोना सा। तो लगभग 3 मिनट भूनने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब हम इस मिश्रण को ठंडा कर लेंगे। ये अभी थोड़ा सा वार्म है, मतलब इसे हम टच कर सकते हैं, इतना वार्म है ये। तो इस स्टेज पे हमें डालना है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैं डाल रही हूँ काजू, बादाम, पिस्ता, सब मैंने 2-2 टेबल स्पून जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे बाद में ही ऐड करें, जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, इससे क्या होगा, जो उसका क्रंचीनेस रहेगा वो बरकरार रहेगा, नहीं तो पहले ऐड करने से वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब हमें इसे लड्डू बनाना है, तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी लूँगी और उसे लड्डू जैसा शेप दे दूँगी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से बन रहा है, मतलब हम आसानी से इसे लड्डू का शेप दे पा रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारा लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया और ये खाने में बहुत टेस्टी बनी है। मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत टेस्टी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।